मालिनी बुआ आप इसे घर लेकर जाओ, इसका गृह प्रवेश होगा। मैं अपनी सुमिधि के लिए जो सपने देखे थे वो पूरे हों। देख सुमिधि, तुझे अपने घर तो जाना ही होगा। मैं क्या कहती हूँ, ऋषि सही तो कह रहा है, तो चिंता मत करा बेटा, हमारी सुमी की विदाई जरूर होगी। अरे बुआ, मैं कहीं नहीं जा रही ऋषि को छोड़ के। जैसे ऋषि ने जिद की, उसने जिद करके तेरी शादी करवाई है, वैसे अब ये हमारी जिंदगी की तेरी विदाई हो। हमारे भी बहुत सारे सपने हैं। तुझे पता है, मैंने और तेरी बुआ ने परसों से इस दिन का सपना देखा, कितना इंतजार किया है। और पगली, मैं क्या कहती हूँ, मैंने तो पहली नजर में ही मिस्टर इंदौरी को तेरे लिए चुन लिया था। हाय, मेरी सुमी और मिस्टर इंदौरी, व्हाट अ परफेक्ट जोड़ी। वैसे बुआ, आप अपनी बात कर रहे हैं या सुमी दी? चले पगले कहीं के। ये तो मेरी तेज नजर थी जिसने ये सब पहले ही देख लिया था। बस थोड़ा मन में था ऋषि कि हमारी सुमी की बैंड बाजा बारात के साथ बारात आएगी और घाट से शादी होगी, लेकिन तो इस तरह हमारी सुमी की शादी कराएगा ये नहीं सोचा था मैंने। बैंड बाजा बारात ना हो, ठाट बाट ना हो, और उस सबसे बड़ी एक चीज है खजराना गणेश जी का आशीर्वाद। अब हम सब एक कृपा कर दो, हमें सुमिधि से ना और उसकी डांट से ना छुटकारा दिला दो। माँ, आप ना जल्दी से इसकी विदाई कर दो बस। ऋषि, मैंने बोला ना, मैं तुझे छोड़ के कहीं पर नहीं जा रही हूँ। अरे सुमिधि, तू कैसी बातें कर रही, तुझे और मुझको सिर्फ भगवान अलग कर सकते बस। और अभी वो सिर्फ शादी करवा रहे, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए तू अपने ससुराल जा, तेरा गृह प्रवेश होगा, जा तू वहां पे। सुमिधि प्लीज, तू तो बात ऐसे कर रही जैसे तू हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा रही। कल वापस आ जाना, तब तक तो मैं यही हूं। अब वादा है, क्या पता यहां से उठकर निकल भी जाऊं मैं।